कुछ दिन कबल पीरकोट के टैक्सी ड्राइवर के अगवा के हकायक सामने आ गए। टैक्सी ड्राइवर को मुलजमान जख्मी जागरानी और शाहनवाज ने किराए का जांचा देकर सरदार को खजूरें देने का ड्रामा किया। जब गुड्डू नहर जिला कश्मीर के नजदीक पहुंचे तो वहां मौजूद दो मुसलह अफराद उनको आगे ले गए और दरिया पार करके बदनाम जमान डाकू नवाब जागरानी के हवाले किया। दोनों मुलजमान ने टैक्सी ड्राइवर को डाकुओं के हवाले करने के बाद अपने घर वापस आ गए और लोगों से छुप कर रहने लगे। ड्राइवर और उसके साथ जाने वाले दोनों अफराद के मुसलसल नंबर बंद होने के बाद वर्षा ने अगवा होने की पुलिस को इतला दी। इतला मिलने के बाद SHO थाना पीर जोगोट हमीर अली चांग की सरबराई में खैरपुर पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों पर मुसलसल छापे मारे, जिसके बाद डाकुओं के कब्जे से अगवा शुदा जमीर हुसैन को बाजियाब करा लिया गया। ड्राइवर ने बाजियाब होने के बाद पुलिस को बताया कि बदनाम जमाना डाकू नवाब जागीरानी के गिरोह के दो साथी डाकू शाहनवाज और जख्मी जागीरानी ने उनको डाकुओं के हवाले किया था और डाकुओं ने नकद रकम छीन ली और तावान तलब किया था। पुलिस ने कार्रवाई करके दो डाकुओं शाहनवाज और जख्मी जागीरानी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन नोमान दुरानी के साथ सजाद कोलाची, राज न्यूज़, खैरपुर।